हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। टिकटॉक इंडिया में बैन होने के बाद पाकिस्तान और यूएस अमेरिका में भी बैन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन क्यों किया जा रहा है, और साथ में आपको ये भी बताऊँगा टिकटॉक एप्लीकेशन जो है फिर से आपको घूमकर इंडिया में आने वाला है, लेकिन कैसे, यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कुछ टाइम पहले इंडिया में टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यदि आप एप्लीकेशन को ओपन भी करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि पूरी तरह से इस सर्वर को ब्लॉक कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के टिकटॉक कंपनी बाइटडांस से 79 क्वेश्चन का आंसर मांगे थे। उन्होंने क्वेश्चन का आंसर भी दे चुका है, लेकिन ये टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में फिर से वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, इस पे इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसी बीच में पाकिस्तान में वीगो लाइट करके एक एप्लीकेशन है, उसे बैन कर दिया है पूरी तरह से, और टिकटॉक को वार्निंग दे दिया है। यदि आप टिकटॉक पे सेक्सुअल कंटेंट जितने भी है इसे आप रिमूव नहीं करते हैं, पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे बार बार वार्निंग दिया जा रहा है टिकटॉक पे, जिस तरह इंडिया में बैन किया गया अब वहाँ पे भी, यानी कि पाकिस्तान में भी बैन किया जा सकता है, और साथ में यूएस अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन किया जा सकता है। लेकिन अभी तक बैन नहीं किया गया है, तो देखते हैं आगे बैन होता है या फिर नहीं होता है। और आप लोगों को क्या कहना है, टिकटॉक को इंडिया में वापस आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ, टिकटॉक एप्लीकेशन जो है बिकने वाले हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कई सारे अमेरिकन कंपनी इस एप्लीकेशन को खरीदने के लिए तैयार है। टिकटॉक एप्लीकेशन का 2.5 बिलियन डॉलर्स रेट लगाया गया है, और देखते हैं इस एप्लीकेशन को कौन सी कंपनी खरीदता है। इसके बाद फिर से आपको टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए या फिर पर्सनली कुछ बात करना चाह रहे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं।